Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वीकेंड का वार में इस बार लगे दो दो झटके। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो वीकेंड का वार में डबल एविक्शन हो गई है दोस्तों। उस डबल एविक्शन के ऊपर बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चार लोग जो नॉमिनेट थे उनमें से वोटिंग ट्रेंड में, जैसा कि आपको बताया था कि सबसे कम वोट जो पड़ रहे थे वो रिंकू धवन को पड़ रहे थे, उसके बाद थी आयशा, फिर नील और फिर अभिषेक। तो यहां पे आयशा को पहले घर से बाहर लेके जाया गया क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर वो उस बाद में वो अंदर आ गई। और फिर जो वोटिंग के हिसाब से, वोटिंग ट्रेंड के ही हिसाब से रिंकू धवन को बिग बॉस के घर से विदा कर दिया गया। इसकी वीडियो हम पहले बार बना चुके हैं। उसके बाद सबको एक रिलैक्सेशन हो गई थी कि चलो ये तो बाहर हो गई है, मगर इस बार भैया नया साल मनाने का मौका जो किसी एक सदस्य को भी दिया गया और उस सदस्य को अब वोटिंग के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से या किस तरीके से निकाला गया ये देखना दिलचस्प होगा। मगर यहां पे नील भट्ट भी अब ऐश्वर्या शर्मा के साथ घर में नया साल मना पाएंगे क्योंकि नील भट्ट को भी बिग बॉस के घर से एविक्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, नील भट्ट भी बिग बॉस के घर से बाहर हो चुके हैं। तो आपको नील भट्ट की एविक्शन कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.